नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी भर्ती निकाला गया है, शानदार इसको भर्ती हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा ये भर्ती निकाला गया है, इसमें आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता रखा गया है, इसमें किस प्रकार से आप आवेदन कर पाइएगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी जो ये आपको भर्ती के बारे में पूरा जानकारी मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा ये भर्ती निकाला गया है और इसका नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको राइट बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसका आवेदन कब से होने वाला है, क्या योग्यता रखा गया और कौन से पदों पर यह बहाली निकाला गया इंडिया पोस्ट की तरफ से, यानी भारतीय डाक की तरफ से कौन सा यह भर्ती निकाला गया है। ड्राइवर के भर्ती के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और ये जो है आपका जॉब लोकेशन हो सकता है उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में ड्राइवर का भर्ती निकाला गया इंडियन पोस्ट में। उसके बाद जैसे आप नीचे जैसे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताया गया कि आपका पे सैलरी क्या हो सकता है, इस ड्राइवर में जो है आपका सैलरी क्या होने वाला है। तो सैलरी जो यहाँ पे आपको लेवल टू का सैलरी मिलने वाला है, लेवल टू, और साथ ही जो आपका सैलरी जो शुरू होगा वो 19,900 से लेकर के 63,200 तक का आपका सैलरी मिल सकता है। जैसे आप नीचे देखिएगा तो नीचे में जो है आपको बताया गया कि कौन कौन से ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में जो है यहाँ पर ये भर्ती निकाला गया है। और जैसे ही आप नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको एज लिमिट बताया गया कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए इस भर्ती के लिए। तो 18 से 27 आपका एज लिमिट होना चाहिए। साथ अगर आप OBC कैंडिडेट से आते हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए और यहाँ पे मिल सकता है, और यहाँ पे अगर SC ST से हो तो आपको 5 साल और मिल सकता है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्वेंट रह चुका है उसके लिए जो यहाँ पे 40 साल है। उसके बाद एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही जो है आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप जो है किसी भी बोर्ड से आपको जो है 10th पास होना है तो ही जो है आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जैसे आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको पैटर्न ऑफ सिलेबस बताया गया, कौन कौन से सिलेबस से आपका जो है यहाँ पे टेस्ट में पूछा जाएगा। और उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे में जो है आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया कि आपका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, और यहाँ पे जो है आपको बताया गया कि आपको जो है एग्जाम में कितने मिनट्स मिलने वाले हैं और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही जो है आपको नीचे में बताया गया कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पे आपको सबसे पहले Stage 1 और Stage 2 का आपको टेस्ट देना होगा, उसके बाद जो है मेरिट बनेगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट में आपका अगर नाम आता है तो आप इसमें जो है आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। साथ ही जैसे आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया कि लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू अटैच विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ असिस्टेड करके क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ये फॉर्म जो है यहाँ पे ऑफलाइन फिलअप होने वाला है, इसलिए जो है आपको ये फॉर्म को भर करके इसके एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो भेजने के लिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को भेजना होगा, तो यहाँ पे इसमें जो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भेजना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस को भेजना होगा जो भी आपका उसका फोटोकॉपी सेल्फ असिस्टेड करके, साथ ही जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का यहाँ पे आपको फोटोकॉपी सेल्फ असिस्टेड करके भेजना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो आपको कलर फोटो लगा करके आपको सेल्फ असिस्टेड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 100 रुपये का एप्लीकेशन फी लगने वाला है उस ओरिजिनल पोस्टल भेजना होगा 100 रुपये का। तो किस प्रकार से आपको पोस्टल को होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन पोस्टल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का आपको 100 रुपये का आपको पोस्टल ले लेना है इंडियन पोस्टल, जो कि आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है। साथ ही जैसे आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए देख सकते हैं कि आवेदन जो है आपका यहाँ पे ऑफलाइन होने वाला है, और नीचे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको कि आपको फिलअप करके आपको इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। यहाँ पे जो ये एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म सेंड कर देना है, ये डॉक्यूमेंट लगा करके, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उनको लगा करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। साथ ही जो इस फॉर्म को आपको भर लेना है अच्छी तरीका से, और सारा डॉक्यूमेंट लगा करके आपको इस फॉर्म को बाय पोस्ट भेज देना है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाइएगा, और मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है कि क्या एज लिमिट है, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, और ये फॉर्म का लिंक आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा। publictime.in के वेबसाइट पर इस फॉर्म के बारे में टोटल जानकारी दिया गया है, साथ ही आपको ये फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी चेक कर लीजिएगा, साथ ही जो है आपको यहाँ पर फॉर्म भी मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से आपको
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके आपको भेजना है, वो मैंने आपको टोटल जानकारी बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।